दोस्तों, मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका पेनिस लिंग जो है सुन्न हो गया एक देसी तेल मालिश करने के बाद। प्लस इनके लिंग में पानी जैसा चिकनाई भी आती है। तो आज बताऊंगा कि लिंग सुनापन क्यों आता है। तो क्या होता है कि लिंग सुन्न होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कोई पेनिस की नर्व्स के अंदर कमी हो, न्यूरोपैथी हो, यूरिमिक न्यूरोपैथी हो, पेल्विक नर्व के अंदर चोट लग जाए, जेनेटिक हेरिडिटी न्यूरोपैथी हो, कई कारण होते हैं, या कोई पेल्विक प्लेक्सस में कोई नस में कोई ट्यूमर हो जिसे नस दबे, तो कई कारण। इनकी बात करें, जो इन्होंने क्या होते हैं, आज से 5 साल पहले एक देसी दवा खाना से दवा लिया, उसको लिंग में मालिश किया। मालिश करने के बाद उनको काफ़ी लिंग में ऐसा लगा जलन हुई, पटाखे चल रहे थे। उसके बाद से उनको पेनिस के अंदर एकदम फीलिंग कम हो गई, कोई उसे ठंड गर्म नहीं होता है, सेक्स करने के दौरान उनको कोई फील नहीं होती है। तो जब भी लिंग का सूनापन सुनपन तेल लगाने बाद होता है, तो दो चीज़, या तो लिंग की नस्ल कम डैमेज हो गया है, या ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है, ब्रेन का वो पार्ट जो कि उस नर्व को, उस पेनिस के पार्ट का सेंसेशन फील करके बताता है कि ठंडा गर्म है, उस एरिया के अंदर ब्रेन के उस पार्ट में फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया। उसे बोलते हैं फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ द दैट पार्ट ऑफ ब्रेन। वैसे नॉर्मली मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कोई पेनिस के ऊपर तेल लगाया जाए, कितना भी इरिटेंट या कोई भी तेल लगाया जाए, तो जब तक स्किन पूरी उखड़ ना जाए, नस की डैमेज नहीं होती है। पर जैसा बोल रही है, तो इनका मैं क्या करूँगा, इनका एक तो मैं पेनिस के नर्व एनसीवी टेस्ट कराऊंगा, मैं जानने के लिए नस में कमी है या ब्रेन के उस पार्ट में फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, माने कि स्ट्रक्चर नॉर्मल बट वो पार्ट सेंस नहीं कर पा रहा, उसकी डिस्टर्बेंस है, अकॉर्डिंग डायग्नोज करके उसको ट्रीट करेंगे। जहाँ तक लिंग का सुनापन, कितने बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है लिंग सुन है, बस रियल सुन होता नहीं है, मन में बैठ जाती बात ये कि मेरा लिंग सुन हो गया, नस मर गई। इन सब की वजह से ब्रेन में कुछ स्ट्रेस केमिकल ऐसे आ जाते हैं जो उस नर्व की, पेनिस के नर्व की फीलिंग को सेंस नहीं कर पाते हैं। तो कितने साइकोलॉजिकल भी होता ही है ये। एक और क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरा जो लिंग का जो टॉप पार्ट है, ये ठंड होता है, बहुत ठंडा रहता है। तो आप सब जान लो, अधिकांश लोग का लिंग का जो टॉप पार्ट है, इस पार्ट की तुलना थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड गर्म होता है, उसी में गर्मी होती है। जब ब्लड जाते जाते उसका हीट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आपने देखा ठंड के महीने में नाक के आगने आगल पार्ट ठंडा रहता है, ये पार्ट गर्म रहता है, कान का निचल पार्ट ये ठंडा रहता है, ये गर्म रहता है। तो ये सब लेकर के अभी एक सेक्सोलॉजिस्ट पर गए, उनसे उसने इनसे 8,000 रुपये वसूल लिए। तो मैंने बोला ना प्रैक्टिस करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य, इंडिया में सेक्स वाले जो सेक्सोलॉजी बोर्ड लगा दिया उन्होंने, ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर का एक ही पर्पज है, मरीज से पैसे वसूल लो। तो अभी एक पेशेंट ने कुछ दिन पहले आया था, सिमिलर प्रॉब्लम एक अम्बाला गया, एक सेक्सुअलिस्ट अम्बाला था, उसको दिखाया, उसने पैसा बना लिया। फिर एक सेक्सुअलिस्ट थे जलंधर में, उसको दिखाया, उसने बना लिया पैसा। फिर उसके बाद जलंधर का आगे जगह था पठानकोट, वहाँ भी सेक्सुअलिस्ट वही पैसा बनाए। तो हर जगह सेक्सुअलिस्ट पैसे बनाने जुटे पड़े हैं। मैं तो देखता हूँ कभी सेक्सुअल ऐड डालो सेक्सुअलिस्ट करके, तो हर जगह सेक्सुअल, फरुखाबाद, फतेहगढ़, इटावा भरे पड़े हैं, जो कि पब्लिक मूर भाग लूट रहे हैं। तो अगर आप कोई भी सेक्स तकलीफ है, तो आप पहले डायग्नोसिस कर क्या कारण है, फिर दवा लिखवाएं और दवा बाहर से लें, हमेशा उनसे कभी दवा ना लें आप। को अक्सर लोग याद रहता है, दवा देके मरीज को टेम्परेरी टाइटनेस बढ़ा के टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। समझे, दूसरे एक और तकलीफ ये बोल रहे हैं कि इनको लिंग में वाइट वाइट पानी आता है। तो लिंग में वाइट पानी आने के कई कारण होते हैं। पहले तो ये तो होता है कि
जब सेक्स विचार आता है तो हमारे ब्रेन में सेक्स विचार जब आता है लड़की देख के छू के टच करके, तो पेनिस के अंदर कुछ ग्लैंड होती है जो सिक्रेशन निकालती हैं, जो कि इसका काम होता है सिक्रेशन चिकनाई के लिए, सो दैट ड्यूरिंग सेक्स चिकनाई हो। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, जैसे मिठाई दूँ मुँह में पानी आता है उसे लड़की देख के नीचे पानी आने की बीमारी नहीं है। हाँ कुछ बीमारियाँ होती है जैसे कि कभी आपको प्रोस्टाइटिस हो जाए, यूरेथाइटिस हो जाए, यूरिक काइल आ जाए, क्रिस्टलूरिया आ जाए, पायूरिया हो जाए, तो ये कई बीमारियाँ होती जिसमें सिक्रेशन आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश में बीमारी नहीं होती, सिंपली उत्तेजना की वजह से आता है, ये कोई चिंता बात नहीं है। और आपको ये सफ़र करें तो डॉक्टर दिखाएं आप अच्छे एक्सपर्ट को और फिर अपना ट्रीटमेंट कराएं कि ये बीमारी है बीमारी नहीं है। तो आप सब जान लो, अगर आपको कोई भी सेक्स प्रॉब्लम है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर पास जाएँ, अनक्वालिफाइड पास न जाएँ, नहीं तो आपको अलग नुकसान करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस कराएंगे, डराएंगे आपको। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। धन्यवाद।